So this is बहुत ज्यादा टेम्पटिंग सा लग रहा है। यू नीड अ हेयर कट, जल्दी से बाल कटवा लो, पूरा और भी बहुत कुछ। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो मेरे लास्ट चिकन बिरयानी वाले वीडियो में बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि रेसिपी डालो, रेसिपी डालो, रेसिपी डालो। सो फाइनली आज मैंने सोचा कि क्यों ना दोबारा से उसे बनाने का ट्राई किया जाए और आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर की जाए। सो आज की चिकन बिरयानी के लिए मैंने ले रखा है 600 to 700 grams चिकन, जिसमें मेजॉरिटी है चिकन ड्रम्स की। और इसकी मैरिनेशन के लिए हमें चाहिए 2 packets जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक, हल्दी और लाल मिर्च, और साथ में नींबू। नींबू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चावल को हमने बहुत हल्के हाथों से धोना है ताकि चावल टूटे ना और इसका स्टार्च ख़त्म हो जाए और ये स्टिकी बिल्कुल भी ना बने। तो हम इसको एटलीस्ट 3 से 4 बार धोएंगे ऐसे ही आराम से, प्यार प्यार से। बेसिकली हमने इसे उस स्टेज तक धोना है कि जब हम इसमें पानी डालें तो पानी ट्रांसपेरेंट रहे, वाइट ना हो ज़्यादा। अब हमने इसे भिगाने के लिए छोड़ देना है सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए। मसाले के लिए हमें चाहिए प्याज, टमाटर, हरा धनिया और हरी मिर्च। एक मीडियम प्याज मैंने ऐसे स्लाइसेस में चॉप किया है और 2 medium प्याज मैंने ऐसे फाइनली चॉप कर लिए हैं। साथ ही साथ जो टमाटर लिए थे वो भी मैंने अच्छे से चॉप कर लिए हैं और धनिया भी अच्छे से चॉप कर लिया है। रही बात हरी मिर्च की, तो हरी मिर्च मैंने ऐसे स्लाइसेस में काटी है। अब हम बॉईल कर लेते हैं चावल को। चावल को बॉईल करने के लिए हमें डालना है लगभग 1 liter पानी। अब एक चीज़ का हमने अच्छे से ख्याल रखना है कि ठंडे पानी में हमने चावल नहीं डालने हैं। पानी जब अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद हमने इसमें डालना है लगभग 1 चम्मच नमक, और नमक डालने के बाद हमने इसमें डालना है अपना चावल। ठंडे पानी में बिल्कुल नहीं डालना है, चावल डालते ही हमने स्टर नहीं करना है वरना चावल टूट जाएगा। हमें इसे सेटल होने देना है और एक बार ये अच्छे से सेटल हो जाए उसके बाद ही हमने इसे स्टर करना है। अब हमने इसे पूरा पकाना भी नहीं है क्योंकि बिरयानी बनाते वक्त ये और पकेगा। हमने इसे इतना पकाना है कि चावल ऐसे टूटे, पूरा चावल एक साथ ना टूटे, जितना हम स्नैप कर रहे हैं उतना में ही चावल टूटे। और इसको हमने कर देना है बंद। लगभग ऐसे 2 कटोरी पानी हमने निकाल देना है जो कि हम बिरयानी बनाते हुए यूज़ करेंगे। इसमें मैं डालने वाला हूँ 2 करछी तेल। जो प्याज हमने स्लाइसेस में काटे थे सबसे पहले उसे हमने इसमें गोल्डन ब्राउन करना है। जैसे ही हमारे प्याज ऐसे गोल्डन ब्राउन हो जाएं, उसके बाद हमें इन्हें निकाल देना है टिश्यू पेपर के ऊपर। सबसे पहले मैं इसमें डाल रहा हूँ काली मिर्च, 1 तेज पत्ता, 1 दालचीनी, थोड़ी सी लौंग, 1 बड़ा चम्मच के करीब जीरा। इसी के साथ मैं इसमें डालने वाला हूँ कटा हुआ प्याज। अब जैसे ही प्याज थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने लगे हमने इसमें डाल देना है टमाटर कटा हुआ। टमाटर के साथ ही हमने इसमें डाल देना है लगभग 1 tablespoon नमक, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। जैसे ही हमारा टमाटर अच्छे से गल जाए हमने इसमें डाल देना है 2 tablespoon धनिया पाउडर। इसी टाइम हमने इसमें डाल देनी है हरी मिर्च, थोड़ी सी कसूरी मेथी, 1 tablespoon बिरयानी मसाला। किसी भी मसाले को हमने ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है। काश अभी लाइट आ रही होती तो आपको इसका कलर दिखता। खैर, इसी वक्त हमने इसमें डाल देना है फटाफट से हमारा मैरिनेट किया हुआ चिकन। अब जैसे ही हमारा चिकन थोड़ा सा वाइट होने लग जाए, जैसा आपको दिख रहा होगा, चावल डाल देना है। आधा चावल डालना है अभी, जो हमने चावल का पानी निकाला था थोड़ा वो डाल देना है ऊपर से ताकि एक अच्छी फ्रेग्रेंस आए। प्याज कैरमलाइज करे थे थोड़े से, ऐसे ही ऊपर से हमने डाल देना है, फैला देना है। थोड़ा सा कटा हुआ धनिया और एक बहुत ज़रूरी चीज़, थोड़ा सा नींबू। जैसे हमारी ये लेयर तैयार हो जाएगी हमने बाकी का बचा हुआ चावल इसमें डाल देना है। ये कैरमलाइज अनियन जो हमारा बचा है वो हमने इसमें डाल देना है। साथ में डालनी है 1 layer धनिया की, हरा धनिया की। ऊपर से हमने इसमें डाल देना है गर्मा गर्म 1 चम्मच के करीब घी। थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है फूड कलर, 1 चम्मच बिरयानी मसाला। लो या मीडियम फ्लेम पर हमने इसे ढक देना है और 1 whistle आने का इंतजार करना है।
जैसे ही विसल आएगी हमने गैस कर देनी है बंद और सीटी निकाल देनी है ताकि हमारा चावल नीचे से जल ना जाए, चिपक ना जाए। जैसे ही सीटी निकल जाए इसको खोल के देखते हैं और इसकी शक्ल देखना होगा। सो दिस इज इट, चिकन बिरयानी। और ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं तो इसमें 7 लेग के पीस थे जिनमें से मुझे 5 ही मिले हैं, एक मुझे ऐसी हालत में मिला है। साथ में है मेरे पास थोड़ी सी चिकन ग्रेवी, अमूल बटर की टिक्की हम, और मेरे पास है रायता। और ये मैंने ब्राउन ब्रेड ले रखी है फ्राई करी हुई, जस्ट बिकॉज मेरे पास आज कोई नान नहीं थी इसके साथ खाने के लिए, तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। मैदा बहुत ज़्यादा हो रहा था आजकल इसलिए। और हाँ, परंपरा बहुत 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 ज़्यादा प्यारी खुशबू आ रही है, ट्रस्ट मी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स जस्ट डायरेक्टली डिग इनटू दिस एंड थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस फूड। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। लुक एट दिस, कलर्स देखो, कहीं मैं शेफ तो नहीं। सेवेंथ लेग मिल गया। जो रेसिपी मैंने आपको दिखाई है एग्जैक्टली उसी रेसिपी से, आप प्लीज इसे एक बार ही ट्राई जरूर करना। परफेक्ट, मैंने ऐसी बिरयानी नहीं खाई आज तक। मैं पहले सोच रहा था कि इसके साथ कुछ और भी रखूं, बट अच्छा हुआ मैंने कुछ नहीं रखा क्योंकि ये इतना ज़्यादा लाजवाब हो रहा है कि अगर मैं कुछ भी रखता तो शायद इसका टेस्ट वो काटता, तो कुछ फ़ायदा नहीं होता। ये देखो, हाँ ऐसे अलग हो रहे हैं। देखो ऑब्वियसली ऐसा भी होता है कि जब आप कुछ खुद बनाते हो तो आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, ऐसा होता है। बट यहाँ वो वाला केस नहीं है, ट्राई करके देखना। ये ग्रेवी मेरे डैडी ने बनाई है, बूंदी का रायता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग इसके साथ किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल आई एम गोना ट्राई, क्या पता बेटर हो।
ना ऊपर ऊपर का बटर दिख रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग सा लग रहा है। आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी इट, ये मैंने भी कभी पहले नहीं करा, ये फर्स्ट टाइम है। लेट्स सी हाउ इट टेस्ट। मुझे नहीं लगता कि कोई भी तरीका है शायद इस चीज़ को एक्सप्रेस करने का कि उस ब्रेड के साथ वो बटर का ऊपर वाला लेयर। थोड़ा सा ग्रेवी के साथ भी ट्राई करते हैं, ग्रेवी के साथ देखते हैं कैसा हो रहा है। अभी वेरी ऑनेस्ट, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने रख रखे हैं मेरे फेवरेट फ़ोन के 3 अलग अलग कलर वेरिएंट, तीनों ही गज़ब हैं। बस ये डिसाइड करना मुश्किल है कि तीनों में से बेस्ट कौन सा है। हड्डियाँ ऐसे ही निकल जा रही हैं भाई। इसका खुद का ही टेस्ट इतना ज़्यादा गजब है। ज़रूरत नहीं है। ब्रेड लेते हैं, पीस डाल दिए हैं मैंने स्ट्रेट करके, ऊपर से इसमें डालते हैं थोड़ी सी ग्रेवी, थोड़ा सा रायता। बाय द वे ये बूंदी वाला रायता है, आई होप अच्छे से विजिबल होगा, ट्राई करके देखते हैं। हाईली रिकमेंडेड एक बार ही ट्राई जरूर करना जो कॉम्बिनेशन अभी मैंने ट्राई करा। वो बूंदी वाले रायते का ना एक अलग मजा है। पिछले 2 वीडियोस से मैं जयपुर के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, बट अगले वीडियो में कुछ ऐसा मेन्यू रखेंगे जिसको खाते खाते मैं आप लोगों से बातचीत भी कर पाऊँ जयपुर के बारे में।
बहुत सी बातें थी जो मुझे आप लोगों के साथ करनी थी, बट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बिकॉज बातें करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो आई गेस दिस इज इट फॉर टुडे. आई कैच यू गाइस ऑन टू द नेक्स्ट वन. टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप स्माइलिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. पीस. मजा आ गया.